आपको डायबिटीज स्कैम के बारे में बताते हैं। आज से लगभग 10 साल पहले ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल 250 के अराउंड था। उस टाइम पे बहुत सारी मेडिसिंस बन रही थी डायबिटीज के लिए, लेकिन उनको लेने वाले लोग कम थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलके डिसाइड किया कि जो नॉर्मल लेवल है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस करके ये लेवल 180 पे चला गया ताकि ज्यादा कंज्यूमर्स हुए उनके मेडिसिंस के, और फिर ये लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होके आज की डेट में 120 के अराउंड आ गया है। आज कोई नॉर्मल पेशेंट जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 के अराउंड आता है, उन्हें हम प्री डायबिटिक कह के मेडिसिन पकड़ा देते हैं। दिस इज द रियलिटी। और ये सारी चीजें क्यों हुई? ताकि जो मेडिसिन बनी है उनको कंज्यूम करने के लिए लोग आए, पेशेंट्स आए। तो बेसिकली पेशेंट्स हैं नहीं, बल्कि हम पेशेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये है डायबिटीज का स्कैम। दूसरी बात ये है कि जो डायबिटीज के लिए एलोपैथिक में दवाइयां दी जा रही हैं, उनसे डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता है। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि इसे आप खा लीजिए और कुछ टाइम बाद आपका डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर बोलता है ये दवाइयां आपको पूरी जिंदगी खानी है। मतलब क्या है कि वो आपके डेली के शुगर लेवल को सिर्फ कंट्रोल करता है, ना कि उसे रिवर्स कर रहा है। और जब हम इन डायबिटीज की गोलियों को 10-15 साल तक कंटिन्यू खाते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, हमारी किडनी, हमारे लीवर, हमारे हार्ट, सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। एट लास्ट हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि डायबिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो गया। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है क्योंकि आपने 10-15 साल तक एलोपैथिक मेडिसिन को कंज्यूम किया है, ये उसका साइड इफेक्ट है। आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे, उसका इम्पैक्ट आपको अपने किडनी लिवर पे जरूर दिखेगा, चाहे वो छोटी सी पैरासिटामोल ही क्यों ना हो। तीसरी बात, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 250-200 तक रहता है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल करें।